गुड इवनिंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन फाइटर यूट्यूब चैनल में आज है तेईस फरवरी आज आप लोग का संस्कृत का एग्जाम था तो उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छा एग्जाम गया होगा क्योंकि अंत भला तो सब भला ये हमारे पास सेकंड सेटिंग का सेट ही है आप लोग देख लीजिएगा आपका कौन सा सेट है उसके अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा इसमें पूरे एक से सौ तक का हंड्रेड परसेंट सही आंसर बताया गया तो इधर उधर जाने की कहीं जरूरत नहीं है एक बार आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा बाकी आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डी ए विश्वविद्यालय विद्यालय की स्थापना किसने की तो स्वा ये स्वामी दयानंद सरस्वती के मतलब स्वामी दयानंद के अनुवायी में हुआ था सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन आपका दो नंबर कि मंदाखनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है तो ये अयोध्या कांड से सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर अयोध्या कांड अगला क्वेश्चन आपका नंबर की राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे थे तो ये सीता को दिखा रहे थे सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सीता को अगला क्वेश्चन है आपका चार नंबर कि पत्तिक स्नान करने कहाँ गया तो ये तालाब में गया था सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर तालाब में अगला क्वेश्चन आपका पाँच नंबर दान किसको देना चाहिए तो दरिद्र को देना चाहिए सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर दरिद्र को अगला क्वेश्चन आपका छः नंबर कि सुंदर प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर सुंदरता बनेगा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर अगला क्वेश्चन आपका सात नंबर कि क्रीड तू किस लकार का रूप है तो ये लोट लकार का है? सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर लोट अगला क्वेश्चन है आठ नंबर की हरिण प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हरिनी क्या होगा सही आंसर बी नंबर अगला क्वेश्चन है नौ नंबर कि गुरुतरा शब्द किसी से बना है तो ये गुरु प्लस तरप से बना है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर अगला क्वेश्चन है दस नंबर लिखितवान में कौन सा प्रत्यय है तो ये सत्री प्रत्यय है सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट होगा अगला क्वेश्चन है ग्यारह नंबर किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगरे अश्मिनी अगला क्वेश्चन है आपका बारह नंबर किस वाक्य में यनांग विकार सूत्र से तृतीय विभक्ति लगा है तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर इसका करेक्ट होगा बारह का सी नंबर अगला क्वेश्चन है तेरह नंबर की यथ सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का कौ, रूप कौन सा है तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा सही आंसर तेरह का ए नंबर अगला क्वेश्चन है चौदह नंबर हिमालय गंगा पर्वती वाक्य से मतलब इस पद में कौन सा विभक्ति कौन सा सूत्र लगा हुआ है तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आपेदाने पंचमी से लगा है अगला क्वेश्चन है पंद्रह नंबर चेनम का संधि विच्छेद क्या होगा तो सही आंसर हो जाएगा आपका चे प्लस एन क्या होगा सही आंसर सी नंबर होगा अगला क्वेश्चन आपका सोलह नंबर राज प्लस छत्रम की संधि क्या होगा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ऐसे ये होना चाहिए ए नंबर बाद में थोड़ी देर में आपको कमेंट सेक्शन में हंड्रेड करेक्ट बता दिया जाएगा बाकी आप लोग अगर बना के आएँ तो बताइएगा अगला क्वेश्चन सत्रह नंबर ओ प्लस आ के मेल से कौन सा ऑप्शर बनेगा तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर और देखिए यहाँ गलत नहीं बता सकते इसलिए एक दो जो नहीं होगा तो मैं बोल दूंगा अगला क्वेश्चन आपका अठारह नंबर किस शब्द में समाहार द्विघ्य समास है तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर होगा पंचतंत्र होगा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर अगला क्वेश्चन है उन्नीस नंबर के घन युव श्याम का सर, ए, समस्त पद क्या होगा तो सही आंसर हो जाएगा आपका घन श्याम हो जाएगा अगला क्वेश्चन है बीस नंबर कि लंबोदर में कौन सा समास है तो ये बहुवीरी समास है सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर बहुवीरी समास अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे के स्टाइल स्टडी में हेल्प मिले ये काफ़ी सपोर्ट करेगा ये आपकी हमारी टीम अगला क्वेश्चन आपका इक्कीस नंबर की वर्तमान में कौन सा पड़ती है तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा सानाच्य क्या होगा सही आंसर बी नंबर हो जाएगा सानाच्य अगला क्वेश्चन आपका बाईस नंबर त्व तो प्रत्यय किस शब्द में है तो ये देवत्वाम में लगा हुआ है सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर देवत्वाम में अगला क्वेश्चन आपका तेईस नंबर स्त्री प्रत्यय कितने हैं तो ये आठ प्रकार के होते हैं सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आठ अगला क्वेश्चन आपका चौबीस नंबर कि अशु प्लस टाप में कौन सा शब्द बनेगा तो इससे कौन सा शब्द बनेगा सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर अशुअ अगला क्वेश्चन आपका पच्चीस नंबर क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर घ अगला क्वेश्चन आपका छब्बीस नंबर की अवेर करुणा और मित्री भाव से किनकी उत्पत्ति होती है तो शांति की होती है सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर शांति की अगला क्वेश्चन आपका सत्ताईस नंबर शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करता है तो छात्रगण करते हैं ना सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर छात्रगण अगला क्वेश्चन आपका अट्ठाइस नंबर की न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर गौतम थे सही आंसर होगा आपका सी नंबर अगला क्वेश्चन उनतीस नंबर दुख का विषय क्या है तो ओ तो शांति दुख का विषय है सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ओ शांति अगला क्वेश्चन है तीस नंबर कर्ण कर्णचक्र को चौथी बार क्या देना चाह तो यह सोना देना चाह सही आंसर हो जाएगा

गणना कौन करता है तो संकुचित हृदय वाला करता है सही आंसर हो जाएगा आपका आ, बी नंबर संकुचित हृदय वाला अगला क्वेश्चन है आपका पैंतीस नंबर शत्रुता को कौन बढ़ाता है तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर स्वार्थ बढ़ाता है सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर अगला क्वेश्चन आपका छत्तीस नंबर की आगते एक शब्द किससे बना है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीस का ए नंबर करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा या हंड्रेड सही आंसर बताया जा रहा है तो आप लोग कोई डाउट नहीं रखिएगा अगला क्वेश्चन आपका सैंतीस नंबर विधि लिंग लकार कौन सा न, विधिलिंग लकार का कौन सा रूप है तो ये हो जाएगा पठित हो जाएगा विधि लिंग का अगला क्वेश्चन आपका अड़तीस नंबर की अपवर्गीय अगला क्वेश्चन आपका उनचालीस नंबर की चरक और श्रोतु ने किस शास्त्र का परिवर्तन किया तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आयुर्वेद शास्त्र का सही आंसर होगा आपका ए नंबर करेक्ट होगा अगला क्वेश्चन आपका चालीस नंबर की वृद्धि तीसान्ति मतलब इसके रचनाकार कौन है तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट क्रा, आंसर हो जाएगा आपका आ, वरा वरा मिर क्या होगा सही आंसर आपका हो, हो जाएगा ए नंबर देखिए अगर आपका दूसरा सेट है तो कोई बात नहीं हमारे चैनल पर उसके सेट का भी आंसर मिल जाएगा तो आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा यहाँ से भी मिला सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका इकतालीस नंबर पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है तो ये गंगा नदी के किनारे है काफ़ी इजी क्वेश्चन है तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर गंगा अगला क्वेश्चन आपका बयालीस नंबर बयालीस

क्वेश्चन हम अपने चैनल पे कई बार बता चुके हैं जो हमारे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो उनका काफी अच्छा एग्जाम गया होगा अगला क्वेश्चन आपका पैंतालीस नंबर सत्ता का संधि विच्छेद क्या होगा तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर होगा इता प्लस क्या होगा सही आंसर ए नंबर हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपका छियालीस नंबर दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर होगा दुर्प लगा हुआ है सही आंसर होगा बी नंबर अगला क्वेश्चन आपका सैंतालीस नंबर की पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा तो सही आंसर हो जाएगा आपका पुरुष से परीक्षा क्या होगा सही आंसर ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन आपका अड़तालीस नंबर Uh, कर्तुआ किस शब्द का रूप है तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी uh, नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अड़तालीस का करेक्ट आंसर होगा आपका सी नंबर अगला क्वेश्चन आपका उनचास नंबर की इच्छति किस धातु का रूप है तो सही आंसर हो जाएगा आपका इच्छ हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा उनचास का अगला क्वेश्चन आपका पचास नंबर कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिया करता सॉरी करता होता है सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करता अगला क्वेश्चन आपका इक्यावन नंबर फोर्टी नंबर कि आ, किस शब्द में आ, आगे आ, आगे उपसर्ग है तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो आहार क्या होगा सही आंसर है? ए नंबर हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपका बाबा नंबर की दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो दूर उपसर्ग लगा हुआ है सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर दूर दूर उपसर्ग लगा है अगला क्वेश्चन तिरपन नंबर की वही के योग में कौन सा विभक्ति होता है तो द्वितिया होता है सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर द्वितीय विभक्ति अगला क्वेश्चन आपका चौवन नंबर की चौवन नंबर है चौवन का सही आंसर बता दे रहे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौवन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर Uh, श्री गुरुवे नमा अगला क्वेश्चन आपका पचपन नंबर की कर्ता का कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है तो सही आंसर हो जाएगा आपका एनमर कर्ता प्रथमा विभक्ति लगती है सही आंसर होगा आपका एनमर अगला क्वेश्चन आपका छप्पन नंबर की भवत शब्द में सब, के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है तो सही आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा आपका देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए बाकी कुछ देर में आपको बता दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में हंड्रेड परसेंट करेक्ट अगर आप कौन सा मार्क आए बता तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में अगला क्वेश्चन आपका फिफ्टी सेवन नंबर कि सखा पद का मूल रूप क्या है तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सखा होता है करेक्ट आंसर होगा आपका बी नंबर देखिए गलत नहीं बताना चाहते हैं इसलिए आपको बोल दिया कमेंट सेक्शन में अगला क्वेश्चन आपका फिफ्टी नंबर विवेती में कौन सी धातु है तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका विद्य क्या होगा सही आंसर ए नंबर विद्य अगला क्वेश्चन आपका फिफ्टी नाइन नंबर दृश्य धातु के लिट लकार का कौन सा रूप हो जाएगा तो ये पश्यती हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन है साठ नंबर किस शब्द में अनेर प्रत्यय है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा पटनी में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर अगला क्वेश्चन आपका इकसठ नंबर मैथिली भाषा के कवि कौन है तो ये विद्यापति हैं सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर विद्यापति अगला क्वेश्चन आपका बासठ नंबर अलसाला में आग कब लगाई तो जब सब सो रहे थे तब लगाया था सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर जब सब सो रहे थे अगला क्वेश्चन आपका तिरसठ नंबर कि लेखिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कभी त्री के पद मिलते हैं तो सही आंसर हो जाएगा आपका चौबीस चौबीस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 24. अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया चौंसठ नंबर कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था तो ये डंडी कहा था सही आंसर हो जाएगा आपका डंडी करेक्ट आंसर होगा आपका ए नंबर किसको कहा था तो ये विजय डंका को कहा था इसका सही ऑप्शन मतलब क्वेश्चन का अकॉर्डिंग ये सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर अगला क्वेश्चन आपका पैंसठ नंबर जगत प्लस गौरबम की संधि क्या होगी तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैंसठ का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर अगला क्वेश्चन आपका छियासठ नंबर पूछ रहा है कि दीर्घिकर और आपके मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है तो ए बनता है सही आंसर हो जाएगा से, से, ए और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर अगला क्वेश्चन आपका सॉरी सिक्सटी सेवन नंबर नीलम नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा होगा तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर होगा नीलोप नीलोपलम हो जाएगा यानी करेक्ट आंसर होगा आपका इसका डी नंबर हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपका सिक्सटी एट नंबर कि सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति होती है तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर चतुर्थी विभक्ति होता है सही आंसर होगा आपका सी नंबर अगला क्वेश्चन है आपका आ, उनहत्तर नंबर की सापद का मूल्य रूप क्या है तो सही आंसर हो जाएगा आपका तथ्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर तत् अगला क्वेश्चन है सत्तर नंबर ज्ञात धातु के लट लकार का कौन सा रूप हो जाएगा तो ये जनाती हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर जनाती अगला क्वेश्चन आपका इकहत्तर नंबर पूछा गया कि बाल मोदक रोचते वाक्य में बाल का पद में चतुर्थी किस सूत्र से लगा तो यह सही आंसर हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रथमा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है तिहत्तर नंबर श्याम में कौन सा स्त्री प्रत्यय है तो सही आंसर जाएगा हो जाएगा आपका क्वेश्चन है चौहत्तर नंबर कत्वा, में कौन सा से कौन सा पद बनता है तो सही आंसर हो जाएगा आपका आ, ये हो जाएगा कृतम क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनमें कृतम अगला क्वेश्चन पचहत्तर नंबर यादवा पद में कौन सी पर्तिया है तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा पचहत्तर का याद में कौन सा है तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी नंबर अगला क्वेश्चन आपका छिहत्तर नंबर की न, सानच प्रतिया में कौन सा न, से कौन सा पद बना है तो सही आंसर हो जाएगा आपका सेवनम बना है करेक्ट आंसर होगा आपका ए नंबर अगला क्वेश्चन है सतहत्तर नंबर किस पद में ठग परतिया है तो सही आंसर हो जाएगा आपका इसे इसका आंसर ये होना चाहिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कुछ देर में आपको बता देते हैं करेक्ट आंसर और में कमेंट सेक्शन में अगला क्वेश्चन आपका अठहत्तर नंबर लक्ष्मी किसके पास जाती है तो ये परिश्रमी के पास जाता है सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर परिश्रमी अगला क्वेश्चन आपका उनासी नंबर कि भीखन टोला देखने कौन आया था तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर प्रशासन प्रशासन देखने आया था सही आंसर होगा आपका ए नंबर अगला क्वेश्चन है इसमें भी बहुत बच्चे अध्यापक भी मारे होंगे अगला क्वेश्चन आपका सी नंबर स्वामी दयानंद ने किस संस्था का स्थापना की तो सही आंसर हो जाएगा आपका आ। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्य समाज का क्या होगा सही आंसर सी नंबर आर्य समाज का अगला क्वेश्चन है इक्यासी नंबर कि की निच्छामी, निच्छामी, आ, किसने बार बार कहा तो सही आंसर हो जाएगा आपका सक्र ने कहा था सही आंसर होगा आपका बी नंबर शक्र अगला क्वेश्चन आपका बेरासी नंबर पथिक कथा पाठ में किसके लिए से शब्द का प्रयोग किया गया तो युधिष्ठिर के लिए किया गया सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर युधिष्ठिर अगला अगला क्वेश्चन आपका तेरासी नंबर की नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है तो उद्योग पर्व से सही आंसर हो जाएगा आपका बी नम्बर उद्योग पर्व अगला क्वेश्चन आपका चौरासी नंबर की कि महापंगे पति सो असीन क्या हो जाएगा तो किसने कहा था ऐसा तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर बाघ ने कहा था अगला क्वेश्चन आपका पचास नंबर की मंदाकिनी वर्णम पाठ के कभी कौन है तो ये वाल्मीकि है सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर वाल्मीकि देखिए आप लोग को अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा अगला क्वेश्चन हाँ आपका, आपका नंबर स्वाम, स्वामी दयानंद सरस्वती का परिवार किसका था तो शिव का था ना सही सोजा आपका सी नंबर शिव का अगला क्वेश्चन हाँ आपका सतासी नंबर राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया तो पहला स्थान पर प्राप्त किया था सही आंसर आपका डी नंबर पहला अगला क्वेश्चन अठासी नंबर आचार्य क्या है आचार का गहन हनन किससे होता है तो अलक्षण से होता है सही आंसर हो जाएगा आपका अलक्षण से करेक्ट आंसर होगा अट्ठासी का ए नंबर अगला क्वेश्चन आपका एट्टी नाइन नंबर की भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है तो संस्कार है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर संस्कार अगला क्वेश्चन आपका नब्बे नंबर की भवंती डैश पुरुषा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर हुआ अगला क्वेश्चन आपका नाइनटी वन नंबर नाइन्टी वन में बोल रहा है कि पुरान ये किस पद मतलब ये पद किस पुराण से लिया गया तो विष्णु पुराण से लिया गया है सही आंसर हो जाएगा एक नंबर विष्णु पुराण से ऑप्शन सही होगा अगला क्वेश्चन बिरानवे नंबर की विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं तो सही आंसर हो जाए आपका एकता भाव से रहते हैं करेक्ट आंसर होगा आपका एकता एक भाव से अगला क्वेश्चन आपका तिरानवे नंबर सप्त सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार से होता है तो विवाह में होता है सप्त आंसर सही आंसर हो जाएगा सप्तपदी यानी वही सात फेरा होता है हो जाएगा आपका बी नंबर विवाह अगला क्वेश्चन आपका जो चो, चौरानवे नंबर की भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं तो पढ़े होंगे सोलह होता है सही आंसर हो सहयांश्रोजा आपका सी नंबर सोलह अगला क्वेश्चन पंचानवे नंबर की विनय किसका नाश करता है तो ये सही आंसर हो रोजा आपका आचरण सर so, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा आकृति का करता क्या क्या होगा सही आंसर इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपका छियानवे नंबर की उत्तम शांति क्या है तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर क्षमा करना ही उत्तम उत्तम शांति शांति है इसलिए सही आंसर होगा आपका ए नंबर अगला क्वेश्चन आपका नाइन्टी नंबर नाइन्टी में पूछ रहा है अश्योतरम में कौन सा संधि है तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर विसर्ग संधि है सॉरी स्वर्ग संधि है सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर स्वर संधि अगला क्वेश्चन आपका अठानवे नंबर के किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है तो सही आंसर हो जाएगा आपका वेद में नहीं है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंबर वेदा अगला क्वेश्चन निन्यानवे नंबर किस समाज का पहला पद अवय होता है तो सही आंसर हो जाएगा आपका भाव का होता है सही आंसर हो जाएगा आपका बी सी नंबर भाव अगला क्वेश्चन आपका सौ नंबर जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को लाइक करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के पढ़ाई में हेल्प करेगा ये चैनल काफ़ी करेगा अगला क्वेश्चन आपका जो कि लास्ट क्वेश्चन है आ, तो लास्ट का सही आंसर हो जाएगा आपका चारथ्य द्वंदा का उदाहरण कौन सा है तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर होगा धर्मांत का माँ हो जाएगा डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द बेस्ट आगे के लिए